जोत रूट पर बंद पड़ी बस सेवा को दोबारा बहाल कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आवाज बुलंद की है। इस मांग को लेकर ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी चंबा राहुल चौहान को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन से अवगत कराते हुए ग्रामीणों ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा चंबा से जोत के लिए बस सेवा बीते करीब 25 वर्षों से चलाई जा रही थी, लेकिन अचानक से बस सेवा को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण इस रूट पर पड़ने वाली पंचायत मंगला, टपून, भक्तपुर, रठियार, बसोदन आदि के लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। हालात यह है कि युवा समय पर शिक्षण संस्थानों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी शिक्षा पर भी बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इस बस रूट को बदलकर चंबा से परवाणू कर दिया गया है। अधिक सवारी होने के कारण उन्हें बस में स्थान नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द चंबा से जोत रूट के लिए अलग बस की व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज, हिमाचल। ग्राम पंचायत रठियार से ज्योली का वासी हूँ। और सर, ये जो है हमारी जोत बस चली आ रही थी 4-5 पे, बस स्टैंड से चलती थी और सुबह जो है वो लगभग 7:30 जोत से निकलती थी, जो 8 बजे ठीक समय गेट पे पहुंच जाती थी और 8:05 गेट से रवाना होती थी चंबा के लिए सुबह सर। और दिक्कत अब कहाँ आ रही है, खास करके अभी तो ITI के छात्रों को, क्योंकि ITI के जो इंस्टीट्यूट, सभी इंस्टीट्यूट है लगभग 9 बजे सर शुरू हो जाते हैं। ये जो अपनी चंबा परवाणु की जो नई बस चली है ना सर, ये निकल रही है गेट से 9 बजे। और सर कॉलेज के 9:30 के करीब आ रही है। हाँ जी सर, 9:30 के करीब। और जो ITI के छात्र है ना सर, ये इनकी पिछले 20 दिनों से सर एब्सेंटे लगी आ रही है लगातार, ये ITI पहुँच ही नहीं पा रहे। दूसरा मुद्दा ये है सर कि अब हमारे जल्द ही अप्रैल में जो है वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। उसका सर वार्षिक परीक्षा का समय होता है उधर 8:45 पे रिपोर्टिंग टाइम होता है और 9 बजे जो है हमें ठीक एग्ज़ाम में बैठना होता है सर। तो जोत बस जो थी हम सभी विद्यार्थियों के लिए जो है वो एक अच्छा साधन था 9 बजे पहुँचने का। सर जैसे ही बंद हुई, अब उसके बाद पेपर की भी सर दिक्कत आ जाएगी पेपर देने में, क्योंकि 9 बजे उससे पहले कोई बस नहीं आएगी सर। उसके बाद 8:30 आ रही है जो पहुँचती है 9:30, तब तक वो एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो गए होते हैं सर। और दूसरी बात, जब 4 बजे हम यहाँ से निकलते हैं, 4-5 पे बस ये चलती है, जब हम पहुँच रहे होते हैं सर पूरी बस ओवरलोड होती है, मिलती ही नहीं है हमें। 1.5 घंटा और इंतज़ार करने के बाद रात्रि वाली जो बस जाती है हमारी खजार, उसमें सफ़र करना पड़ता है सर, तो काफ़ी दिक्कत है। आप जो पत्रकार भाई हमारे कहने पर यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ऐसा है कि पिछले 25 वर्षों से चंबा और जोत के लिए बस लगी हुई थी, जो इन्होंने बिना नोटिस दिए, बिना इन्फॉर्म किए बंद करवा दिया और उसकी जगह लंबी दूरी की बस लगवा दी है जो चंबा से परवाणु जा रही है। तो इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जैसे आजकल लंबी दूरियों की बसें जो हैं, ये यात्री पहले ही बुकिंग करवा लेते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करवा लेते हैं, तो सीटें ना मिलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। जो लोकल बंदे होते हैं उन्हें तो सीट तो क्या, खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल रही। आपके पास वीडियो भी आई होगी, मैंने वो आपके माध्यम से ही करवाई थी, तो उसमें 120 के करीब आदमी एक बस में ठूस ठूस के भर दिए गए थे और 30 बंदे बाहर थे। हैरानी की बात ये है कि उन्हें हमारे हितों की कोई परवाह नहीं लगी। उन्होंने बसों की कमी का बहाना बनाते हैं कि हमारे पास बसों की कमी है, तो उससे नई बसें नहीं लगवा रहे हैं। आपकी मांग क्या रहेगी? मांग तो सर यही रहेगी ना कि चंबा जोत जो बस है वो पुराने समय से ही शुरू करवाई जाए। इससे हमें कंप्रोमाइज़, इससे अलावा हम कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। तो इसके लिए चाहे हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, हम तैयार हैं। और बच्चे खासकर इन्हें प्रॉब्लम आ रही जो स्कूल के बच्चे हैं, वो आपको ज़्यादा बताएंगे। अबू कहाँ बता दो।